Hello guys and welcome back to my channel. So in today's video we will study about anatomy of the heart, cardiovascular system. अच्छा जो anatomy है ना उसमें क्या होता है कि जो left atria है that is the most posterior part of the heart and the right ventricle that is the most anterior part of the heart and that is most commonly injured in trauma. इनके जब भी trauma वगैरह होते हैं ना तो क्या होता है कि जो right ventricle है ना वो सबसे आगे होता है, anteriorly present होता है heart के बाकी सारे chambers के comparison में. तो क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा ईजिली जो है ना वो उसका जो है ना वो रप्चर हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है राइट वेंट्रिकल, जबकि जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो मोस्ट पोस्टीरियरली होता है हार्ट के. और ये मोस्टली क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रिया है ना ये इनलार्ज्ड हो जाता है जब भी मिट्रल स्टेनोसिस होगा. मिट्रल स्टेनोसिस क्या है? जब भी मिट्रल वेल्व जो है ना उसकी नैरोइंग हो जाएगी वो मिट्रल स्टेनोसिस होगा. तो ओपनिंग जो होगी जब उसकी नैरो हो जाएगी मिट्रल वेल्व की, मिट्रल स्टेनोसिस होगा तो ब्लड पीछे की तरफ ही देगा ज़्यादा. तो लेफ्ट एट्रिया में जब देगा तो लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज्ड कर जाएगा जिसकी वजह से जो है ना वो डिस्फेजिया होगा. डिस्फेजिया क्या है कि अब जब लेफ्ट एट्रिया है ना उसके पीछे इसोफेगस है तो इसोफेगस जो होगी ना वो कंप्रेस होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रिया. तो इसोफेगस के कंप्रेस होने की वजह से जो है ना डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और साथ ही होती है उसके पीछे लेफ्ट एट्रिया की लेफ्ट रिकरेंट लेजियन नर्व वो जो होगी ना वो भी कंप्रेस होने लग जाएगी जिसकी वजह से जो है ना वो एक एक्चुअली ब्रांच है वेगस नर्व की. लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व और ये क्या कॉज करेगी? ये हर्सनेस कॉज करेगी जिसकी वजह से ऑर्टनर सिंड्रोम हो जाएगा. सो हमने क्या स्टडी किया कि सबसे पहले जो है राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल सबसे एंटीरियरली होता है और लेफ्ट एट्रिया पोस्टीरियरली होता है. राइट वेंट्रिकल जो होता है मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा में इंजर्ड होता है जबकि जो लेफ्ट एट्रिया है वो इनलार्ज हो जाता है मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से और लेफ्ट एट्रिया के इनलार्जमेंट की वजह से डिस्फेजिया और ऑर्टनर सिंड्रोम हो जाता है. ये था जनरल ओवरव्यू अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट. पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की तीन लेयर्स होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम. फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम. अब एपिकार्डियम को हम विजरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, इसको मोस्ट कॉमनली कहा जाता है विजरल पेरिकार्डियम. तो जो पेराइटल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम है, इन्हीं के विजुअल पेरिकार्डियम है, उनके दरमियान प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियल स्पेस. पेरिकार्डियल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विजुअल पेरिकार्डियम. अब ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस, इसमें क्या होता है? इसको इनर्वेट करती है फ्रेनिक नर्व. कौन इनर्वेट करती है? फ्रेनिक नर्व. और ये क्या कॉज करती है? जब भी पेरिकार्डाइटिस होगा ना, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेरिकार्डियम की लेयर्स की, हार्ट की जो लेयर्स हैं पेरिकार्डियम लेयर्स, इनकी इन्फ्लेमेशन होगी, पेरिकार्डाइटिस होगा, तो उससे क्या होगा? ये रेफर्ड पेन कॉज करेगी टू द नेक, आर्म्स एंड शोल्डर और मोस्ट ऑफनली लेफ्ट शोल्डर इन्वॉल्व होता है इसमें पेरिकार्डाइटिस में, जिसकी वजह से जो है ना लेफ्ट साइड ऑफ द नेक जो है शोल्डर वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस. ये रेफर्ड पेन होती है और ये जो है ना ये होती है बिकॉज ऑफ द फ्रेनिक नर्व. तो ये हो गया पेरिकार्डियम के बारे में. नेक्स्ट है क्रोनरी ब्लड सप्लाई. क्रोनरी ब्लड सप्लाई जो है ना उसमें क्या होता है कि जो हार्ट है उसको उसके डिफरेंट चैम्बर्स हैं और डिफरेंट जो उसके हैं साइड्स, एंटीरियर भी हो गया, पोस्टीरियर, लैटरल, इंफीरियर. अब क्या होता है कि जो उसकी जो हार्ट है ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सप्लाईज हैं, उसके हर एरिया की जो ब्लड सप्लाई है ना वो एक डिफरेंट आर्टरी के थ्रू ही है. जैसे कि अब हार्ट है ना तो उसको क्या होता है कि दो मेन आर्टरीज हैं, एक है राइट क्रोनरी आर्टरी और एक है लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी. ये जो डायग्राम है ना इसमें भी दिखाया हुआ है, ये क्या है हमारे पास राइट क्रोनरी आर्टरी और ये है लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी. अब क्या होता है कि जो राइट क्रोनरी आर्टरी है ना वो एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट मार्जिनल आर्टरी और दूसरी ब्रांच देती है राइट क्रोनरी आर्टरी जो पीछे जाती है और जाके ब्रांच देती है जिसका क्या नाम है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो पीछे की तरफ जा रही है. तो राइट क्रोनरी आर्टरी ने दो ब्रांचेस देनी है मेनली. एक है एक्यूट मार्जिनल आर्टरी जो कि एंटीरियर साइड पे राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी और जो दूसरी ब्रांच है ना राइट क्रोनरी आर्टरी की वो है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. मोस्टली ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये राइट क्रोनरी आर्टरी से अगर अराइज करती है मोस्टली वहीं से करती है, लेकिन अगर अराइज करती है तो वो हार्ट राइट डोमिनेंट हार्ट कंसिडर होता है, राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती है उस हार्ट में. जबकि अगर यही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी की ब्रांच लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से अराइज करती है तो उसको कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन. अब को डोमिनेंट सर्कुलेशन वो होती है जिसमें जो ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी राइज करती है और राइट क्रोनरी आर्टरी से भी राइज करती है.
तो उस तरह के हार्ट में जो सर्कुलेशन होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज कोडोमिनेंट सर्कुलेशन। अच्छा, ये थी हार्ट की राइट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्लड सप्लाई हो गई, एक होगी एंटी एक्यूट मार्जिनल आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है राइट कोरोनरी आर्टरी से राइज करेगी और ये पोस्टीरियर साइड पर जाके जो हार्ट के राइट एट्री और राइट वेंट्रिकल्स हैं उनको सप्लाई करेगी, जबकि राइट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी है वो एंटीरियर साइड पर राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। फिर जो दूसरी आर्टरी है दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ना इसकी आगे से ब्रांचेस होती हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करेगी, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, और इसकी दूसरी ब्रांच होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अलावा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है ना वो फिर आगे से एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी जो है ना वो पीछे की तरफ चली जाती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो सर्कल करती है अराउंड हार्ट और वो पीछे की तरफ जाके तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी मेन ब्रांच है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। जब भी ये जो आर्टरीज है ना जब भी डायस्टील होगा तो क्या होगा कि जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है ना वो वेंट्रिकल्स को ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी, जबकि सिस्टील केस में ऐसा नहीं होता। तो जब हार्ट ब्रेस्टिंग स्टेट में होगा तो उसको जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा मिलेगी स्पेशली वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को। बस इसमें इस सारे टॉपिक में यही बताया हुआ है कि जो ब्लड सप्लाई है वो आपने बस वो याद रखनी है और उसके अलावा पेरिकार्डियम के लेयर्स का पता होना चाहिए और एनाटॉमी ऑफ हार्ट का पता होना चाहिए कि जो इसोफेगस है वो पीछे है, उसके पीछे जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, उसके आगे हार्ट है राइट लेफ्ट एट्रिया और उसके पीछे जो है वो इसोफेगस है और इसोफेगस के पीछे जो है वो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व प्रेजेंट है और हार्ट की पोजिशन क्या होती है जो कि एंटीरियरली पोस्टीरियरली, ये सब कुछ पता होना चाहिए। विजुअल पेरिकार्डियम और प्लाइडल पेरिकार्डियम के बिटवीन प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल स्पेस जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये था एनाटॉमी ऑफ हार्ट के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। थैंक यू।